हमको लगा कि हमें इसमें वापिस तकरीबन सारे सपने तकरीबन मेरे ख्याल से 80% तो पूरे ही हुए गए सपने। तो अब हम लोगों को लगा कि अब ड्रीम के फिर से एक बार नए बनाने पड़ेंगे, फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग ड्रीम को अपने, है ना। तो अब आपको पता है देखिए छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि पहले ड्रीम बुक की किताब आती थी, इस किताब हम लोग सपने ले 2007 की किताब है, है ना। इसमें देखिए ड्रीम बुक में बना दिखाया कि तुमने कैसे कैसे, तो हम लोग जब लिखते थे तो कैसे कैसे लिखते थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी। अब एक आदमी जो दिन में 100 रुपए कमाए और शाम को उसके घर में खाना पकना हो तो बड़ा सपना क्या देखेगा। दूसरे दिन उसको फिर मालूम है कि काम पे निकलना है और काम पे अगर पैसे नहीं आए तो कहते थे आज किस्मत खराब थी इसलिए पैसे नहीं आए, कम में काम चला लो, ज्यादा आ गए तो थोड़ा अच्छे से खा लो। हम लोग रोटी के लिए काम करते थे खाली। तो उससे को कहा जाए कि बड़े बड़े सपने लिखो तो लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। हम एक छोटे से मकान में रहते थे, तो वहां से सोच नहीं सकते थे कि कभी कहीं रहेंगे। जब सपनों लिखने की बात आई तो लिखा, देखे घर तो इतना शानदार बना दिया था, ये देखिए ऐसे उन्होंने घर स्विट्जरलैंड में देखे थे, है ना। मगर लिखा क्या था देखिए, लिखा था मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने गलतियां की थी, प्लीज आप लोग ना करिए अगर जल्दी से डायमंड एमराल्ड और डायमंड जाना चाहते हैं। मैंने लिखा था एक अच्छा सा मकान 2 BHK लिखा हुआ है, एक अच्छा सा मकान 2 BHK जिसमें फिलहाल अच्छे से रह सकूं, है ना? और उसके बाद हमारा ड्रीम हाउस होगा जिसकी आमदनी सब मिलाकर 5 लाख रुपए होनी है। वो मकान की भी वो पूरा एक डिटेल पूरी लिखी हुई है कि उस मकान से हमारी आमदनी कैसे कितनी होगी। मगर वो फिलहाल 2 BHK लिखा था, फिलहाल 2 BHK में रह रहे हैं। देखिए सपना छोटा दिखा,